हर हर महादेव। जबलपुर मध्य प्रदेश से अर्पित दुबे जी है, उनका प्रश्न है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता बताए गए हैं, तो 33 कोटि में यानी 33 करोड़ हैं या जो है 33 प्रकार के देवता हैं। ऐसा सुना जाता है कि लोग कहते हैं 33 प्रकार के ही देवता हैं, और वो कोटि का अर्थ यहाँ प्रकार है। तो ये क्या ये सही है? क्या हमारे यहाँ 33 देवता हैं या 33 करोड़ देवता हैं? ये देखिए, ये प्रश्न बहुत घूम रहा है, लोग कई प्रश्न करते हैं, कई जगह सीरियलों में भी, सब जगह प्रायः उल्टा ही बतलाया जा रहा है। वेद के मंत्र में ये जो है 33 देवताओं का नाम आ गया, तो बस वो कहने लगे कि 33 यही देवता हैं। तो उन्होंने पूछा 33 देवी देवताओं का, अच्छा भैया देवी कह दिया तो फिर देवता कहने की क्या आवश्यकता थी? देवता कह दिया तो फिर देवी की क्या आवश्यकता है? क्योंकि देवता शब्द भी स्त्रीलिंग ही है, देवता शब्द भी स्त्रीलिंग है, तो उसमें सभी आ जाते हैं। ठीक है, रूढ़ है देवता माने देवों के लिए और देवी देवियों के लिए रूढ़ है। तो देखिए, इस पर विचार करिए। पहली बात तो ये समझिएगा कि हमारे यहाँ ये जो है कोटि शब्द है, तो कोटि के दोनों अर्थ होते हैं, कोटि माने प्रकार भी होता है और कोटि माने करोड़ भी होता है। एक एक शब्द भवा अर्था भवंती, अनेक अर्थ होते हैं एक एक शब्द के, इसमें कोई कहने का और ऐसा कोई बात नहीं है। परंतु हमारे यहाँ जो देवता हैं वो बहुत हैं, अनंत हैं, यानी उनको 33 कोटि कहा जाए ये भी जो है बहुत सीमित किया जा रहा है, कम ही है, बहुत देवता हैं, असंख्य देवता हैं। तो ये अरे ये जो है जो गिना देना कि भाई 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु और 2 जो है अश्विनी कुमार आदि, ये जोड़ करके ये जो कर दिया 33, ये ठीक है, परंतु ये ही है ऐसा नहीं है। देखिएगा कर्मकांड में तो कितने देवता हैं आप विचार करेंगे। हमारे यहां प्रत्येक हिंदू को जो है 200 500 1000 2000 देवताओं के नाम याद है, हर किसी को विचार करें तो देखिए कि हमारे यहां देखो पूजन होता है, तो पूजन में गणेश जी का पूजन होता है, कलश का पूजन होता है, कलश में ही कितने देवता होते हैं, है ना। यहाँ जो नदियां भी हमारे यहाँ सब देव गंगा आदि नदियां ये सब देवी रूप में हैं, कलश में सब देवता रहते हैं, 16 मातृका 7 मातृका। अब मातृकाओं की भी बात करें तो जल मातृका, स्थल मातृका, जीव मातृका, मंडप मातृका, अरे घृत मातृका, 16 मातृका, बहुत मातृका है, ये सब मातृका हो गए। और देखें तो 64 तो योगिनी ही है अकेली, देवियों की बात करें 9 दुर्गा हैं और 10 महाविद्याएं हैं, तो ये देवता में नहीं आएंगी। वास्तु पर देखें तो वास्तु पे देवता बैठे हुए, क्षेत्रपाल पर देखें तो क्षेत्रपाल पीठ पर देवता बैठे हुए हैं 49 51 जो भी माने। नवग्रहों में भी नवग्रह फिर 9 अधिदेवता 9 प्रत्यधिदेवता, देवता नहीं है ये। पंच लोकपाल, 10 दिग्पाल, वास्तु, क्षेत्रपाल, ये सब देवता जो है नवग्रह पर हैं। और देखेंगे तो फिर सर्वतोभद्र मंडल पर भी देवता हैं, है ना, 55 56 देवता इसमें भी बैठे हैं, कलश में प्रधान देवता आदि मिलाकर के और ज्यादा हो जाते हैं। मंडप देवता हैं, मंडप में प्रत्येक स्तंभ में देवता होते हैं, कुंड में देवता होते हैं, और भी मंडल बनते हैं, गौरी तिलक मंडल है, चतुर्लिंगतो भद्र है, अष्टलिंगतो भद्र है, द्वादश लिंगतो भद्र है, गणपति भद्र है, श्री राम भद्र है, हरिहरात्मक भद्र है, कई भद्र मंडल हैं, तो उनमें भी फिर देवता हो जाते हैं। तो इन देवताओं की क्या कमी है? यहां तक तो हर वस्तु का कोई ना कोई देवता है, हर मंत्र का देवता है,
अब देखिए भाव वृत्त भी देवता है हमारे, कभी सुने नहीं समझे नहीं, आता ना संध्या में ऋतम चेत माधु छंदसो अघमर्षण ऋषि अनुष्टुप छंदो, है ना, भाव वृत्तम दैवतम, भाव वृत्त देवता है उसका, बताइए। तो अब ये आपने सुना है कभी भाव वृत्त भी कोई देवता है, तो ये वेद में जो विनियोग लिखा है ये गलत लिखा है, भाव वृत्त भी तो देवता है। तो हर मंत्र का देवता है, हर वस्तु का देवता है, हर समय का देवता है, हर तिथि का काल का कोई कोई न ऐसा अवयव नहीं है जिसका कोई न कोई देवता न हो। संसार में कोई भी ऐसा वस्तु पदार्थ नहीं है जिसका कोई न कोई देवता न हो। शब्दों के देवता है, अक्षरों के देवता है, सबके देवता है। और तो और देखिएगा, एक चीज को ले लीजिएगा, है ना, कि उतने कितने कितने देवता हो जाते हैं। अब मरुत गणों को ले लेंगे तो 49 तो मरुत गण ही है, वो देवता नहीं है क्या? चले मरुत 49, अग्निर्देवता वातो देवता, अग्नि को भी देवता कहा गया, जो वेद मंत्र कह रहा है अग्निर्देवता वातो देवता, जो वायु भी देवता है, तो अग्नि कितने हैं? 49 अग्नि है, कहीं 51 अग्नि है, और भी अधिक अग्नि है, तो ये भी तो देवता है। अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता, और सूर्य जो है 12 है ही, चंद्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता, तो रुद्र देवता है तो कितने रुद्र देवता है? तो आगे बतलाते हैं श्री शुक्ल यजुर्वेद के और 16वें अध्याय में और ये 54वीं कंडिका में ये देवता रुद्र देवता गिनाए गए, ये कितने रुद्र देवता हैं कि असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम। बोले असंख्य रुद्र गण तो भूमि पर रहते हैं केवल, और अंतरिक्षस्था दिविस्था, ये तो अलग है, फिर जी लोक में रहने वाले अंतरिक्ष लोक में रहने वाले रुद्र तो और अलग अलग असंख्य वहां भी रहते हैं, असंख्य स्वर्ग लोक में असंख्य द्युलोक में रहते हैं, और असंख्याता सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्या, असंख्य रुद्र तो भूमि पर विराजमान। अब ये वेद मंत्र कह रहा है तो इसको कहां ले जाएंगे भाई, उसको आप वेदों से सिद्ध कर रहे हैं तो ये वेद मंत्र नहीं है। इस दृष्टि से मुख्य बात यह है कि हमारे यहां असंख्य तो केवल अकेले रुद्र ही हैं, और देवता तो कितने हो जाएंगे। तो 33 कोटि भी यदि कहा जा रहा है, 33 करोड़ भी कहा जा रहा है, तो अब भी बड़े सीमित और संकुचित ही कहा जा रहा है, नहीं तो अनंत है, अनंता भाई देवा, अनंत देव है। इस दृष्टि से इस भ्रम को नहीं पालना चाहिए कि केवल उतने ही देवता हैं, ठीक है जी। और ये जो है हमारे अनंत देवता है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान की अनेक विभूतियां हैं, अनेक अवतार हैं, तो वो देवता नहीं है क्या? वो सब देवा देवता है, देवत्व उनमें भी है, देवता के जो भी लक्षण है वो सब जिसमें है वो सब देवता है, देवी है, वो सब पूज्य हैं। तो इस तरीके से ये तो एक संकुचित मनसा वाले या कुछ संप्रदाय वाले या शीरियर वाले या जो सनातन धर्म से विरोध रखते हैं, वेदों से विरोध रखते हैं, वे लोग ऐसा खंडित अर्थ करते हैं, संकुचित अर्थ करते हैं। तो हम लोगों को, हम सनातनियों को, हम वैदिकों को, हम वर्णाश्रमी लोगों को ये कदापि भी मान्य नहीं है कि हमारे यहाँ कोई ये देवता सीमित हैं, हमारे यहाँ कोई एक देवता नहीं है, अनंत देवता हैं, और भगवान भी अनंत हैं, तो उनके अनंत स्वरूप हैं। विष्णुर्नुकम वीर्याणि प्रभो चंजा पार्थिवान बिमे रजागुंसी, ये सब वेद ही तो कहते हैं कि पृथ्वी के एक एक कण को आप जो है गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूपों को, उनकी वीरता को, उनके लीला को आप नहीं गिन सकते, तो उनके स्वरूप अनंत हो गए ना, तो फिर वे सब देवत्व में नहीं आएंगे क्या? इसलिए ऐसी शंका नहीं करना है, ठीक है जी। हर हर महादेव।